और सुंदर भी बहुत बना है मतलब। 15वां दिन रात 12:30 बजे आर्यन अनुपमा के बीच शनिवार को जो मनमुटाव हुआ था वो सप्ताह की आखिरी रात को खत्म हो गया। I have the sexiest smile. Look at the sexiest voice. Try harder. Okay. अब यहाँ पर तो limitations हैं. Try harder. Harder for your voice. Not for my voice. Not hard चलाकी. हाथ चलाकी मान मेरी दादी के लिए हाथ चलाकी करता है वो हाथ चलाकी मतलब हाथ जब ज्यादा यूज करो बट आई एम जस्ट मैं तो आपके हाथ को पकड़ रहा था क्यों पकड़ रहे मेरा हाथ है हाँ वो भी एक बार मैं जब जाऊँ मैं क्यों मैंने कहा नहीं अब मैं आपकी लैप में सोने वाला हूँ अच्छा ऐसा क्या ऐसा जी ऐसा करते हैं हमारे कमरे में हम लोग चलते हैं वहाँ पे वहाँ मेरा एक गुलाबी सा तकिया है वैसा कुछ मिलता जुलता मेरा इंतजार कर रहा है तो मतलब मैं भी वहीं पे सो जाऊंगा तो ऐसा हमारे कमरे में चलते हैं आपको कभी किसी ने चपेड़ मारा है कभी नहीं आप मार दीजिए प्लीज चपेड़ मारना अलाउड नहीं है इस शो में अलाउड है चपेड़ मारो तो आउट हो जाओगे Let's have some water. हाँ, चलो कैफे कॉफी दे। आज की मुलाकात भले ही खत्म हुई हो लेकिन प्रेम कहानी चल रही है Good night. Good night. 16वां दिन सुबह 8 बजे कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी बीती हुई दोपहर 12:30 बजे हेयर ड्रेसर अनुपमा के सलून में आज बारी है रवि की अच्छा हर फ्राइडे रोएंगे आप ऐसे नहीं 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 अच्छा अब नहीं रोना एक फ्राइडे नहीं रोना कोई एक आध चेंज के लिए हर फ्राइडे दोपहर को मालूम बड़ा चालू हो जाती है नहीं वो दोनों थे आदिली ऑनेस्टली ना मेरी मुझे फैमिली के साथ बहुत अटैच है बेसिकली आज बताएं आप हर आने जाने वाले के टाइम रोएंगे आप नहीं नहीं होगा एक आध दो को जो जिससे अटैचमेंट हो गई है जिससे नहीं जमती उनकी बात अलग है पर जमती सबके साथ है हाँ आप यही किसी के पीछे क्यों पड़ी हैं गंजाई कर नहीं नहीं तो आगे भी बढ़ेंगे कि उधर ही रहेंगे बातों में थोड़े थोड़े निकाल अपने बारे में जानते हैं वहीं गंजा नहीं कर देना मुझे पता चला वहां से गंजा हो गया हूं अंदर जाने के लायक रखना कमरे में आर्यनों के साथ काम किया कितना मतलब शोज इतने आई नो हिम सो वेल ही रिस्पेक्ट्स यू लॉट तो हां बहुत आपकी इज्जत करता थैंक यू अपने आप को 16 साल का कुछ समझ रहा है मैंने बोला हाँ पूर्णा 14:30 की तुम 16 की हम लोग के कमरे से तो सिर्फ ऐसी सी अच्छी अच्छी बातें कभी कभी निकलती है रात को तो सुनने के लायक हो तो बहुत क्रिएटिव बातें होती है थैंक यू पूर्णा तुम गर्मी में इतना तुम पसीने में और तुम्हें भी पता थोड़ा नहाना पड़ेगा आपसे बात करने का मुझे अच्छा मौका मिला स्वीट बहुत अच्छा ग्रुप मिला है रवि का मकसद दोहरा है बाल कटवाना और अनुपमा आर्यन के तार जोड़ना आखिर वो आर्यन के बड़े भैया जो हैं राइट नाउ ही इज अ फ्रेंड मेरे लिए नहीं आगे देख लेना अगर मन करे तो जान ले हां इज वेरी स्वीट इन फैक्ट देख लीजिए मैं जानती भी नहीं थी दैट ही इज लाइक दिस वो जीवन सोच रहे हैं आपके साथ देख लीजिए मैं बहुत कोशिश की दोपहर 3 बजे बर्दाश्त करने की प्यार करने की राखी ने पीठ पीछे बुराई न करने का फैसला किया था लेकिन जब रहा न गया तो इस महान काम के लिए उन्होंने बिग बॉस के बेचारे इस कैमरे को ही घसीट लिया कैरल के एक शब्द ने मुझे छिंझोड़ के रख दिया मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैंने कल उसे इतनी प्यार से बात की है
इतनी प्यार से उससे बात की कि व्हाट यू थिंक अबाउट माय जजमेंट, मुझे आपका जज बताओ कि आपने जो डिसीजन लिया था मुझे वो गवार की सब्जी पकाने का क्या सही है। तो गधी बेवकूफ, हिंदी तो समझती है नहीं, पागल पता नहीं क्या। मेरे को टीचर क्यों बोलता है बेवकूफ कहीं की, पहले समझ तो सही गधी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। चालू हो गया उसको, उसको लगा कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, उसके तो बैंड बजा के रख दूंगी, गेम खेलती रहती है। उसको खुद को खाना पकाना है, सबका ब्रेकफास्ट बनाना है, अंडा खाना है। हम लोग क्या इधर भजन करने आए हैं, कीर्तन करने आए हैं, हमें भी बिजी रहना है। उसका उसके बाप का किचन है, सब भगवान बन के बाबा बन के बैठे हुए। बंदरिया को मंकी को मैं ठीक करती हूँ, आई डोंट केयर अगर वो मेरा नाम ले ले, आई डोंट केयर। उसका तो पूरा ग्रुप है, मैं उसके साथ झगड़ूंगी तो पूरा मेरा नाम ले लेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। और वो राग दूसरी लड़की बोलती है तिरुपाली, मैंने कभी खाना नहीं पकाया, मैं अच्छा पराठा सब कुछ बना लेती है। इतने झूठे हैं यहाँ पे कैमरा और टीवी को, जैसे ये लोग ऐसा लगता है इन्होंने कभी टीवी के ऊपर आए नहीं है, कभी इन्होंने पब्लिसिटी और कभी ये देखा नहीं है। इतनी झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते। राहुल के तलवे चाट रही है, रवि किशन के तलवे चाट रही है, अमित के तलवे चाट रही है, सबके तलवे चाट रही है। इनोसेंट दिखाती है, शी इज नॉट। एटलीस्ट कश्मीरा अच्छी है, कम से कम जो दिल में है वो फेस पे तो है, बता तो देती है कि मुझे तुझसे नहीं जमता, मतलब नहीं जमता है। एक रवि किशन झूठा झूठा नाटक किया जा रहा है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं। जैसे बिग बॉस ने उसको धमकी दी, नॉमिनेशन हो रहा है, सेकेंड है तो पुल खाली हो गया, पुल साफ हो गया, सब साफ हो गया, इज्जत की बात करने लगा। तिकड़मबाज लोग इधर, सब तिकड़मबाज लोग, पहले केरल फिर रूपाली और रवि के बाद उन्होंने राहुल को भी लपेटा, क्योंकि मैं पगला गई हूँ, बड़बड़ बड़बड़ बड़ किए जा रही हूँ। राहुल और रवि में से दोनों में से एक निकल जाए ना तो सबके बैंड बजे। अपना अच्छा मौका छोड़ दिया, ये सबको चढ़ाते रहते, अपना ग्रुप अंदर रूम में बनाते रहते, लड़कियों को अलग छोड़ दिया। दिस इज रियली बैड। वहाँ राखी अपनी भड़ास निकाल रही है, यहाँ जारी है राखी और कश्मीरा की बुराई। जीवन बदलता है मेरे दोस्त, यही आंखों के सामने। शुरू हुआ था खेल कुछ और, अब कुछ और ही हो गया बाहर। ये दो ऐसे थे कि दोनों एक ही मतलब टाइम पे पैदा हुए थे, एक ही माँ के पेट से गिरे थे, ऐसा ऐसा था। अच्छा, अब दोनों साथ में नहीं है, अभी भी है, लेकिन अब क्या हो गया कि डर शुरू हो गया है कि दोनों अभी टारगेट बनने वाले हैं, क्योंकि इनके सारे पोल और गेम खुल चुके हैं। टारगेट बन गए ये। प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि जब रूपाली को ज्यादा उंगली की थी, तो रूपाली यहाँ आके बोल दिया ना, जब ये लोग कहते हैं ना कि आप आइडियल इंसान हैं, ये उनका कोड होता था कि भैया आपको नॉमिनेट किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो। शाम 5 बज चुके हैं, राखी अब भी उसी विषय पर अटकी हुई है। राखी। यस बॉस। बिग बॉस के घर में कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सब अपने अपने ग्रुप बना के बैठे हुए, मैं अकेली हो गई हूँ। बॉयज कितने अच्छे हंसते खेलते हैं, उन लोगों में कोई टेंशन ही नहीं है, और हमारे गर्ल्स में तो सब अलग अलग हो गए हैं। मुझे केरल का नेचर सबसे बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्या समझती अपने आप को, सुकड़ बम्बिल। बीच में मुझे कुछ हो गया था, थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आ गई थी, लेकिन वो भी वॉश आउट हो गया, क्योंकि वो इंसान उस चीज का काबिल नहीं है। आपने कहा था यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है, मैं सोती हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं, मतलब कुछ लोग, और अभी सब लोग कैसे सो रहे, उनको दिमाग में कितनी शांति मिलती होगी। मुझे बहुत रोना आता है क्योंकि मुझे सोने नहीं मिलता, सब सोते, मैं डर के मारे नहीं सोती हूँ कि मैं रूल ब्रेक ना करूं। डर अंदर दिमाग में डर, पता नहीं मेरा क्यों नेचर किसी से मिलता नहीं है, पागलों की तरह घूमती हूँ यहाँ वहां। पूरे घर में जितने भी लड़के लोग हैं, वो सब बोलते हैं कि कैरल बहुत काम करती है, रूपाली बहुत काम करती है, वो लोग दे आर इंडिस्पेंसेबल टाइप्स ऑफ फीलिंग। कोई ये नहीं देखता कि हम लोग भी काम करते हैं। मैं हंसाती हूँ लोगों को, आई कीप द मूड रिलैक्स्ड। हाँ, मैं थोड़ा बहुत गॉसिप करती हूँ बिकॉज आई एम अ वूमन। रूपाली और कैरल बाहर अगर मिलते इस घर के बाहर की दुनिया में, तो कभी फ्रेंड्स नहीं बनते। उनको लड़कों को खुश रखना है, यहाँ पे एक ही चीज कर सकते हो जिससे वो खुश रह सकते,
जो है खाना बनाना। रवि और राहुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्कस करते ही है, दोनों साथ में ही बाहर जाते। उनका ये भी प्लान हो सकता है कि सारे लड़कियों को पहले आउट करो कैरल को छोड़ के, एंड देन दे विल प्ले द गेम देमसेल्व्स। आप लोग जो खेल खेलते हैं हमारे दिमाग को लेकर, मतलब वाकई में मैं इतना शॉक खा गया पहले दिन जब आपने मुझे जज बना दिया। तौबा, उसी दिन मैंने सैल्यूट कर दिया बिग बॉस। एक सेकंड लगती थी मुझे 10 दुश्मन बनाने में, एक सेकंड। बड़ा भयानक खेल खेलने पे हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम सारे जितने अंदर बैठे हैं। अगले हफ्ते तक मुझे लगता है मेरी विकेट थोड़ी सी डामाडोल होनी लगेगी शायद, शायद। रात 1:30 बजे अमित ने बातों बातों में एक ऐसा मजाक किया जिसने सभी को तो हंसाया लेकिन आर्यन को नाराज कर दिया। आर्यन को लगा कि अमित कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। आर्यन नाराज हो गया? अनुपमा के आगे वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी शराफत को ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं। और पतला नहीं होना, बस हंस लिए, चलते हैं। चलिए, फनी हो के वो लोग स्टोरी बोल रहे थे आपस में, उनका जोक चल रहा था, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट दिस इज अनबिलीवेबल यार, दिस इज अनबिलीवेबल, जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। हेलो, सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? आर यू मैड? नहीं, दैट्स ओके, पागल कैसे आ गया यार? ब्रदर, मैं तो एक क्लियरली बात बोलता हूँ, डोंट गेट ऑफेंडेड यार, बट डोंट शो पार्ट्स ऑफ योर बॉडी व्हेन अदर गर्ल्स आर सिटिंग देयर, इट्स जस्ट नॉट व्हाटएवर यार, इट्स अ वेरी चीप जेस्चर, मत करना यार, क्यों कर रहा है? इवन इन इवन इन द इवन इवन इफ यू आर क्रैकिंग अ जोक, इट्स जस्ट नॉट डन, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। फॉरगेट इट, इट्स ओके। नहीं होगा, अरे इट्स ओके, डोंट, सीरियसली नहीं होगा, सॉरी, कुछ नहीं होगा, मजाक में क्या है गाइस। बट यार ब्रदर, हम बच्चे नहीं है यार, हमको पता हम लोग क्या कर रहे हैं यार, गुस्सा मत हो यार, सॉरी यार। नहीं, मैंने तो नोटिस ही नहीं करा, मैं स्पेस्ड आउट थी। आई नो, सॉरी यार, मैं सॉरी बोला, तेरे को बुरा लगा, इसका स्पेसिफिक तुझे हम लोग कमरे दिखाओ, आई जस्ट टुक माय शर्ट बैक। नहीं, ओके, ठीक है यार, मैं समझ रहा हूं तेरी बात। अमित ने यहां तो माफी मांगी लेकिन बेडरूम में उन पर अपना गुस्सा उतारा। ब्रदर, सॉरी बोला ना यार, सॉरी बोला ना। अरे कैसे गुस्से में गया अंदर? क्या मैं I didn't put my bloody pants on there. No. I just turned and put my shirt up. And I know, I'm an educated guy. We did chana samasta hai, bata yaar aapko. Imagine you've done all the big cosmetic brands in this country and today you have to deal with the Rakhi Sawant, yeah, and bloody some Amit Saad and some bloody... बिग बॉस के घर में दो लड़कों के बीच पहली बार इस तरह का टकराव। लेकिन उसने बात हाथ बढ़ाया, बात रफा दफा कर दिया उसने। ब्रदर, बात कर सकता हूँ आपसे अगर बुरा नहीं माना? बात नहीं यार, ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरे को बिल्कुल इंसल्टिंग नहीं लगा। वी आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो इस तरह के जोक्स क्रैक करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट यार, दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज मेकिंग अस दिस वे। नो, आई डू इट, आई डू, आई डू जोक लाइक दिस इन माय होम। ब्रदर, ठीक है यार। नहीं, आपने आपने बोला ना कि इसका क्या बहाने, जब मैं ज्यादा जोक करता हूं। अमित, अरे ब्रदर, हम लोग बात कर रहे हैं, मैं भी जवाब दे रहा हूं यार, आई एम आल्सो कि सुबह बात करते हैं, बिकॉज़ राइट नाउ आई डोंट थिंक कि वो माहौल है कि वे वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विद ईच अदर। चल यार, सो जा, सुबह बात करते हैं।
पागलबंदी मत कर यार, सो जा, सुबह बात करते हैं। आता हूँ भैया, मैं टच तो आया बस। नहीं यार पागल यार, मैं दिखावटे के लिए नहीं आया, ऑनेस्टली यार, आई जस्ट डोंट वांट यू टू लूज स्लीप ओवर सच अ स्मॉल इशू यार। अगर तू इशू से कोई लेना देना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही कह रहा हूँ भैया। तू आ जा यार अंदर फिर। आ रहा हूँ भाई। झगड़ा हुआ और थम भी गया, पर क्या ये सचमुच खत्म हुआ है?